हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग कर्व क्लासेस। ये यूट्यूब का नया इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया अपनी टीम के साथ इन ऑर्डर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज। माय नेम इज़ वेदांत द्विवेदी एंड आई एम योर टीचर। चलिए शुरू करते हैं। सो आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इट कम्स फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। मैं ज्योग्राफी से आपको कुछ लेक्चर्स दूंगा अभी आने वाले टाइम में। आज का जो टॉपिक है लैटिट्यूड सर्कल, इसमें से मैं आपको समझाऊंगा कि ये पांच लैटिट्यूड सर्कल्स, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है अर्थ को लेके, एंड ये अपना किस लेवल तक रोल निभाते हैं अर्थ को एनसर्कल करते टाइम पे। एंड आई जस्ट होप कि आज के इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपके ये पांचों के पांचों टॉपिक्स की जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, एंड आप अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली आपने ये वर्ड पहली बार सुना होगा, या हो सकता है आपने सुना हो, बट आज मैं वो क्लियर करता हूँ। लैटिट्यूड सर्कल के नाम से इन पांच सर्कल्स को जाना जाता है। बेसिकली ये लाइंस होती हैं जो पूरे अर्थ के चारों तरफ होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको ह्यूमंस ने इमेजिनरी माना होता है। इन पाँचों की पाँचों लाइन्स को टूट सर्कल, लैटिट्यूड सर्कल, क्योंकि ये लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी लाइन्स होती हैं। ये पहली होती है ट्रॉपी ऑफ कैंसर, दूसरी होती है ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीसरी होती है इक्वेटर, चौथी होती है आर्टिक सर्कल, एंड पांचवी होती है अंटार्कटिक सर्कल। इन पांचों लाइंस को पढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये समझें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, क्योंकि अगर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस को नहीं समझ पाएंगे तो आपको ये पांचों लाइंस समझ नहीं आएंगी। तो बेसिकली आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक इक्वेटर दिख रहा होगा, इक्वेटर लाइन दिख रही होगी जो 0 डिग्री पे है, जो अर्थ को दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, एंड दूसरा पार्ट जो है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो हैं, ये दो पोल्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर जिसने जो डिवाइड करते हैं। तो लैटिट्यूड लाइंस को समझते हैं बेसिकली होती क्या है। लैटिट्यूड लाइंस बेसिकली ये जो लाइंस ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ ट्रैवल करती हैं, एनसर्कल करती हैं, और जो पैरेलली रन करती हैं, इन इमेजिनरी लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं। द लाइंस रन टू ईस्ट टू वेस्ट आर नोन एज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। मतलब अगर ईस्ट से लेके जो वेस्ट की तरफ लाइंस जा रही हैं पैरेलल में, या फिर हम ये कहते हैं जो लाइंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही हैं, अर्थ को पूरा कवर कर रही हैं, ये लाइंस को हम लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड पैरेलल्स। इनको पैरेलल बोलते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया। एंड इन टोटल देयर आर 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। इनके टोटल डिग्री लैटिट्यूड जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। लैटिट्यूड इनके इंक्रीज होते हैं इक्वेटर से, हम जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते हैं इनका लैटिट्यूड इंक्रीज होता है 0 से लेकर 30, 60, 90। एंड अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड डिक्रीज होता है 0 to 30, 60 and 90। टोटल 90 to 90, 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड होता है। दूसरी बात मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जो लैटिट्यूड की साइज जो होती है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है, सबसे बड़ी साइज होती है। और जैसे जैसे हम दोनों पोल्स की तरफ अगर बढ़ते हैं धीरे धीरे तो उनकी साइज जो होती है वो छोटी होती चली जाती है, पोल पे जाके वो बिल्कुल जीरो हो जाती है ऑलमोस्ट। तीसरा पॉइंट, जो डिस्टेंस होता है इन डिग्री लैटिट्यूड्स का आपस में, अगर ये दो पैरेलल लैटिट्यूड जब ट्रैवर्स कर रहे हैं, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये समथिंग अराउंड 69 माइल्स का होता है, और हम ये कह सकते हैं 110 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है इन लैटिट्यूड्स को लेकर। तो आई होप कि आपको लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब आप इस इमेज को देखिए, ये हमारे प्यारे अर्थ की इमेज है। इसमें हम लॉन्गिट्यूड लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन को समझना बहुत आसान होता है। ये वो लाइन होती है जो कि पोल टू पोल ट्रैवल करती है या ट्रेवर्स करती है पूरे अर्थ को। वो लाइन जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक जाए और अपनी पोजिशन को मार्क करते चले, इन लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड लाइन कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐसे लाइंस यहाँ से निकली हुई हैं, नॉर्थ से निकली हुई हैं एंड साउथ पोल तक जा रही हैं। ऐसे करके ये पूरे पूरे अर्थ को जो है कवर कर रही हैं। ये सारी लाइन इमेजिनरी होती हैं, ये लाइन किसी ने खींची नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा ये ह्यूमंस ने इमेजिनरी लाइन्स को डिफाइन कर रखा है, सो डैट हम अगर अपने अर्थ में कोई डिस्टेंस या कोई नेविगेशन चाहते हैं तो इन लाइन्स के थ्रू हम लोकेशन को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसलिए इन लाइन्स को हम अपने एजुकेशन में यूज करते हैं। तो फटाफट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज लाइन्स आर रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड मार्क द पोजिशन ईस्ट टू वेस्ट ऑफ अ पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। ये जो लाइंस होती हैं इनको हम बेसिकली मेरिडियंस कहते हैं, जैसा कि अभी सारे मेरिडियंस देख पा रहे हैं। एंड एक मेरिडियन को हमने डिसाइड कर रखा है एज अ सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। बेसिकली ये जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको हमने डिग्री ऑफ एक्सिस से डिफाइन कर रखा है। तो अगर हम प्राइम मेरिडियन को एज अ सेंटर मान के चलते हैं तो इट ऑलवेज अ जीरो डिग्री, एंड अगर हम उसके ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं लॉन्गिट्यूड इनके एक्सिस, एंड इट गोज टू जीरो डिग्री, टू 30, 60, 90, 20, 150 एंड इवेंचुअली 180। एंड ऐसे ही अगर हम वेस्ट साइड में ट्रैवल करते हैं तो इसका अपोजिट हो जाता है, 180, 150, 120, 90, 60 एंड 30। तो बेसिकली 180 डिग्री तक का इनका एक्सेस होता है, जो अलग अलग डिग्री में इनको डिफाइन किया जाता है। अलग अलग डिग्री में डिफाइन करते हैं तो अलग अलग कॉन्टिनेंट और कंट्रीज में जहां पर इनकी डिग्री पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग हम टाइम लोकेशन को डिफाइन करते हैं। जैसा कि आपने समझा होगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि रशिया जो कंट्री है उसमें मोर देन 10 टाइम जोन्स हैं। तो अगर आप रशिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको बहुत सारे टाइम में वेरिएशन देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि बहुत सारे लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो हैं वो ट्रैवल्स करती हैं पूरी कंट्री को, और हर लॉन्गिट्यूड लाइन को हमने अलग अलग डिग्री एक्सेस से डिफाइन कर रखा है। इन्हीं डिग्री को हम धीरे फिर मिनट में बांटते हैं, मिनट से सेकेंड में बांटते हैं, एंड इसी के अकॉर्डिंग हम टाइम्स निकालते हैं। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये प्राइम मेरिडियन जो है, अगर हम अर्थ के पॉलिटिकल मैप के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये लाइन बेसिकली यूके में ग्रीनविच नाम की एक जगह है, वहां से ट्रेवल्स करती है। एंड उस लोकेशन को जो है हम लोगों ने एज अ मेन पॉइंट मान रखा है, ग्रीनविच मीन टाइम। हम वहीं से टाइम को डिफाइन करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। एंड उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप ईस्ट में अगर ट्रैवल करें या वेस्ट में ट्रैवल करें तो उसी हिसाब से टाइम डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दीज लाइंस रन फ्रॉम पोल टू पोल, ये तो हमने पढ़ लिया है, एंड क्रॉसिंग द इक्वेटर एट राइट एंगल्स। अब ये समझिए इसका मतलब क्या है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इक्वेटर बिल्कुल अर्थ को बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करता है। अब जैसे ये देख रहे हैं इक्वेटर को, ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न हेमिस्फीयर। तो बेसिकली ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं ऊपर वाली, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं ये इक्वेटर को बिल्कुल राइट एंगल पे काटती हैं सारी की सारी। एंड एवरी लॉन्गिट्यूड लाइन, जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं वो इक्वेटर को डेफिनेटली जो है राइट एंगल पे काटेंगी, इसलिए जो है वहां से हम इनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आई होप का आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा। लैटिट्यूड आपकी जो लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं पैरेलली जो रन करती हैं उनको लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल जो एक पोल से दूसरे पोल तक ट्रैवल करती हैं उनको लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, जो फाइव लैटिट्यूड लाइंस की मैं आपको बात कर रहा था अर्थ के ऊपर, वो कौन कौन सी होती हैं, देखिए। जैसा कि आप जानते हैं इक्वेटर बिल्कुल बीच से अर्थ को काटता है, इक्वेटर लाइन जो कि जीरो डिग्री की होती है, हमने इसको जीरो डिग्री मान रखा है इमेजिनरी लाइन को। अगर हम इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं तो हमें एक दूसरी लाइन मिलती है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनका डिग्री ऑफ एक्सिस 20 डिग्री 26 मिनट्स होता है। ये जो कॉमा हम ऊपर देख रहे हैं इसको हम मिनट्स बोलेंगे, एंड ऊपर ये जो छोटा सा आप एक्सपोनेंशियल पावर देख रहे हैं इसको जीरो बोलेंगे। तो इसको डिग्री हम डिफाइन करते हैं, तो 23 डिग्री एंड 26 मिनट नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ। तो आप ये समझिए कि इन द मेनी फ्यू ईयर्स धीरे धीरे जो लाइंस हैं ये अपनी लोकेशन भी चेंज करती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो आगे वाला जो डिजिट है, वैल्यू जो है, उसको आप इंपॉर्टेंस दें। पीछे वाली वैल्यू का वेरिएशन होता रहता है, प्लस माइनस में होता रहता है। तो बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो बेसिकली ये 23.5 मिनट, तो 23.5 डिग्री की जो नॉर्थ लाइन है इसको ट्रॉपी ऑफ कैंसर कहते हैं। ऐसे ही ट्रॉपी ऑफ कैंसर अगर हम थोड़ा और आगे ऊपर बढ़ते हैं नॉर्थ पोल की साइड में, तो हमें आर्कटिक सर्कल लाइन मिलती है, जो कि मोस्टली नॉर्दर्न पोल के आसपास जो है पूरे अर्थ को ट्रेवर्स करती है। जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आर्कटिक सर्कल की जो लाइन होती है इसकी जो लेंथ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ है और इक्वेटर की लेंथ है, इनमें वेरिएशन है। इक्वेटर की जो लेंथ है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ है ये धीरे 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 छोटी होती चली जाती है, और अल्टीमेटली पोल्स पे आके ये बहुत छोटी हो जाती है। एज इट इज अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो ट्रेवर्स करती है अर्थ को, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसका एंगल ऑफ एक्सिस होता है 23 डिग्री 26 मिनट साउथ, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में आती है।
एंड उसके बाद अगर हम और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल की तरफ जाते हैं नीचे की तरफ, तो हमें अंटार्कटिक सर्कल मिलता है जिसका एंगल ऑफ एक्सिस है 66 डिग्री 34 मिनट साउथ। इस लाइन के आसपास साउथ पोल भी कंटेन होता है एंड ऊपर वाली आर्टिक सर्कल के आसपास नॉर्थ पोल भी कंटेन होता है। आर्टिक सर्कल का एंगल ऑफ एक्सिस 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ है। तो अब आप समझिए फाइव लाइंस को याद करना कितना आसान हो गया है। इक्वेटर, इक्वेटर जो है वो मेन लाइन होती है, 0 डिग्री होती है हमें पता है, जिसने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब हम अगर इक्वेटर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलती है, क्योंकि नॉर्थ है तो नॉर्दर्न साइड में होगी, उसका एक्सिस हम याद कर लेंगे 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ। ऐसे अगर हम इक्वेटर से नीचे जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ तो 23 डिग्री 26 मिनट साउथ पे हमें ट्रॉफी ऑफ कैप्रिकॉन मिलती है जो कि ट्रेवर्स करती है अर्थ को। वैसे ही अगर हम ट्रॉफी ऑफ कैंसर से ऊपर जाते हैं तो हमें आर्टिक सर्कल मिलता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आर्टिक वर्ड यूज हो रहा था आप समझ जाइएगा कि आर्टिक सर्कल जो है वो नॉर्थ पोल को डिफाइन करता है, तो आर्टिक सर्कल लाइन वहां पर आती है। एंड अगर अंटार्कटिक सर्कल की लाइन की बात हो रही है तो वो साउथ पोल को डिफाइन कर रही है, इसलिए वो आर्टिक सर्कल है। अब जैसे कि आप डिफाइन करके देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, देखिए तो वही जो है ये जो लाइंस गई हुई है पैरेलल लाइंस, अब जी ये फाइव लाइंस जो गई है ये लैटिट्यूड लाइंस में काउंट होती है, लॉन्गिट्यूड में काउंट नहीं होती है, क्योंकि ये पैरेलल ट्रेवल कर रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ये जो लाइंस गई हैं मतलब आर्टिक सर्कल, ट्रॉपी ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन एंड आर्टिक सर्कल, ये सब जो है ये लैटिट्यूड लाइंस हैं और इनके आपस में जो डिस्टेंस है वो एंगल ऑफ एक्सिस से डिफाइन हो रहा है। एंड अगले लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो लाइंस होती है इनके आसपास, ये जो जिन जिन कंट्री से ट्रेवल्स करती है इनके आसपास और इनके आसपास के रेडियस के एरिया में किस तरह का एनवायरनमेंट एंड किस तरह की वेजिटेशन एंड टेम्परेचर होता है जो कि पूरे वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन को चेंज करता है ना, उसी अकॉर्डिंग हर कंट्री की डेमोग्राफी अलग होती है, उसका अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग उसका बायोस्फीयर होता है, तो वो भी हम समझेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल आप ये समझिए कि लाइंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेकंड वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, जो इक्वेटर की लाइन होती है इस पे अर्थ, इस पे सन की रेस बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है, तो दिस रीजन इज वेरी हॉट। ओके, तो दिस लाइन, ये जो लाइन जो है जो ट्रेवर्स कर रही है पूरे अर्थ को, तो ये लाइन जिस जिस कंट्री से पास हो रही है इस रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। एंड इवेंचुअली जैसा कि बहुत कॉमन सी बात है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे 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 जो हीट है, जो गर्मी है वो कम होती चली जाती है एंड पोल्स पे इवेंचुअली आके बहुत कम हो जाती है एंड वहां पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। एज इट इज वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, जैसे जैसे हम नीचे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, स्लोली स्लोली साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग लाइन्स का क्या क्या कनेक्शन होता है। तो हम बात करते हैं इक्वेटर की। जैसे आप जानते हैं बीच वाली लाइन जो है जिसने अर्थ को डिवाइड कर रखा है, बेसिकली इमेजिनरी लाइन होती है जिसने एक प्लैनेट को बीच से जो है डिवाइड किया हुआ होता है। इसके हाफ वे में यानी कि आधे हिस्से में ऊपर की तरफ अगर नॉर्दर्न साइड में जाते हैं तो नॉर्थ पोल होता है और दूसरी साइड में जाएंगे तो साउथ पोल होता है। तीसरा पॉइंट जो है, एन इक्वेटर डिवाइड्स द प्लैनेट इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर का मतलब यही है कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न हिस्सा जो है इन्होंने जो काटा हुआ इस लाइन से जो कटा हुआ है इस पूरे रीजन को, ये ऊपर वाले पूरे रीजन को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं और नीचे वाले पूरे रीजन को हम सदर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेटर आप समझ में आ गया होगा आपको। इक्वेटर इसकी डिग्री जो होती है वो 0 डिग्री होती है, क्योंकि हम यहीं से इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं और इसी के अकॉर्डिंग बाकी लाइन्स को डिफाइन करते हैं। जैसे ये इक्वेटर है, जैसे एक और इमेज है आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है जो डिवाइड कर रहा है पूरे अर्थ को। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरी लाइन ऑफ लैटिट्यूड देखते हैं जो कि ट्रॉफी ऑफ कैंसर है। ये इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन है जो कि एनसर्कल करती है ग्लोब को। एंड इक्वेटर के पर्सपेक्टिव में, अब हम जब भी बात करेंगे वो इक्वेटर के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, तो इक्वेटर के पर्सपेक्टिव में यानी कि इक्वेटर लाइन के नॉर्दर्न, अगर नॉर्थ साइड में हम देखें तो ये लाइन आती है, इसको ट्रॉफी ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉफी ऑफ कैंसर लाइन लोकेटेड इन 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। एक छोटा सा मैप मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है जिसमें आप ध्यान से देखें तो देख सकते हैं कि ये जो ट्रॉफी ऑफ कैंसर है ये बहुत सारी कंट्रीज को ट्रैवल्स कर रही है और हमारा प्यारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, इसको भी ये ट्रैवल्स करती है बीच में से, बहुत सारे हमारे राज्यों में से ये ट्रैवल्स होकर निकलती है। एंड दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी मच हॉट क्योंकि ये इक्वेटर के पास होता है एंड यहाँ जो सन की रेज होती है वो ऑलमोस्ट सीधी पड़ती है, तो ये एरिया जो होता है, ये जो रीजन होता है ये गर्म होता है।
दूसरी बात हम करें तो ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन की बात करते हैं। ये भी एक इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन है जो कि सर्कल को एनसर्कल करती है, एंड ये इक्वेटर के पर्सपेक्टिव में सदर्न हिस्से में होती है, साउथ साइड में होती है, इसलिए ये इक्वेटर के पर्सपेक्टिव में सदर्न साइड में जो लाइन एनसर्कल कर रही है उसको ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। ये डिग्री आप याद रखिएगा 23 डिग्री 26 मिनट साउथ ऑफ लैटिट्यूड। अगर यहां पर मैं नॉर्थ लगा देता हूं तो ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन बन जाए, सॉरी ट्रॉपी ऑफ कैंसर बन जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन ने इस मैप में कहाँ कहाँ से ट्रैवर्स किया है। तो बेसिकली ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन जो लाइन होती है उसमें बहुत कम कंट्रीज ही आ पाती हैं, वो इंक्लूड कर पाती हैं, एंड मोस्टली ये वो रीजन करती हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर के पास होता है, यानी कि अंटार्कटिक के पास जो एरिया होता है उसको ट्रैवर्स करती हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग, अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो वो ये है कि जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें सिर्फ अफ्रीका के इकलौता कॉन्टिनेंट है जो कि 3 लाइन को, यानी कि इक्वेटर को, ट्रॉपी ऑफ कैंसर को एंड ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन को अपने अंदर से पास होता है। मतलब वो तीनों लाइन अफ्रीका के ऊपर से, अफ्रीका की कंट्रियों में से पास होती हैं। तो ये इकलौता अकेला अपना एक कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3 लाइन ऑफ लैटिट्यूड पास हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल के नाम से समझ में आ रहा है कि आर्टिक रीजन की बात हो रही है, यानी कि नॉर्थ पोल की बात हो रही है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ये सर्कल को ग्लोब करती है, जैसे मैंने आपको पहले ऑलरेडी 2-3 बार बता रखा है। एंड बेसिकली ये जो लाइन है, अगर हम इसको इक्वेटर या फिर ट्रॉपी ऑफ कैंसर के पर्सपेक्टिव में देखें तो दोनों के पर्सपेक्टिव में ये नॉर्थ की तरफ होती है, यानी कि नॉर्थ पोल के पास में होती है, इसलिए इसको आर्टिक सर्कल बोला जाता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ होती है ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर से अगर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ होता है, एंड नॉर्थ पोल आर्टिक सर्कल के अंदर ही आता है जैसा कि आप जानते हैं। ये एक बहुत अच्छा मैप है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड, वी कॉल्ड इमेजिनरी लाइन, एंड इस लाइन के अंदर जो है नॉर्थ पोल लाई करता है, एंड ये लाइन जो है ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज को ट्रेवर्स करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेजरली ये लाइन जो है रशिया जो कंट्री है उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेवर्स करती है। फिर ये नॉर्वे होते हुए, स्वीडन होते हुए जाती हुई ग्रीनलैंड को पार करती है, एंड कनाडा के बहुत मेजर सेक्शन को पास करते हुए, अमेरिका का अलास्का जो है उसको ट्रैवर्स करते हुए ये लाइन बनी हुई है। इसके इसके आसपास का जो इलाका है ये बहुत ठंडीला होता है, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सूरज की रोशनी यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं पड़ पाती है, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो रीजन है इट्स वेरी कोल्ड एंड विंटर, एंड द वेजिटेशन इज ऑल्सो वेरी हार्श, क्योंकि हम डिटेल्ड लेक्चर में अगली बार पढ़ेंगे वेजिटेशन के बारे में। जो लास्ट लैटिट्यूड ऑफ लाइन है उसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, नाम में ही अंटार्कटिक आ रहा है तो आप समझ सकते हैं ये साउथ पोल की बात हो रही है। साउथ ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर में अगर ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन के रिस्पेक्टिव में देखा जाए या फिर इक्वेटर के रिस्पेक्टिव में देखा जाए तो साउथ साइड में ये लाइन आती है सदर्न हिस्से में, ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन इक्वेटर के सदर्न पार्ट में ये लाइन जो है लाई करती है। इसका एंगल ऑफ एक्सिस जो है 66 डिग्री 34 मिनट साउथ है इक्वेटर से। अगर इक्वेटर से देखा जाए तो उसके नीचे, मतलब इक्वेटर के नीचे जो साउथ हिस्सा जो है उसमें 66 डिग्री 34 मिनट साउथ है। अंटार्कटिक सर्कल के अंदर साउथ पोल ऑलरेडी लाई करता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक बहुत अच्छा मैप है जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये देखिए ये जो इमेजिनरी लाइन्स हैं ये पूरे पूरा एक अंटार्कटिक सर्कल है जिसने पूरा अंटार्कटिका को एनसर्कल कर रखा है, और उसके अंदर साउथ पोल है बेसिकली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत अंटार्कटिक सर्कल की जो लाइन होती है वो किसी कंट्री से पास नहीं होती है, ये कॉन्टिनेंट को पास करती है, कॉन्टिनेंट के चारों तरफ हो रहती है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, एंड बाकी कोई कंट्री इसमें लाई नहीं होती है बेसिकली। दिस रीजन इज ऑल्सो वेरी कोल्ड क्योंकि यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ पाती, सूरज की सीधी किरण नहीं पड़ पाती है, इसलिए ये जो रीजन होता है ये भी ठंडा होता है, बहुत ठंडीला होता है। तो ये है अंटार्कटिका सर्कल। अब मैंने एक लिस्ट बनाई है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 5 लैटिट्यूड लाइंस कौन कौन सी मेजर कंट्री में से पास करती है, मैंने इसकी एक लिस्ट बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं तो देखिए इक्वाडोर एक कंट्री है, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती। अब आप एक बात समझिए यहाँ पर कि ये जो कंट्रीज हैं दीज कंट्रीज टेंड्स टू बी लिटिल बिट हॉटर इन कंपेरिजन विद अदर कंट्री। दूसरी कंट्री के कंपेरिजन में या उनके कंपेयर अगर करा जाए तो उनके कंपेरिजन में यहाँ का जो क्लाइमेट रीजन है ये थोड़ा हॉट है, थोड़ा ह्यूमिड एंड हॉट टेम्परेचर है यहाँ पर। यहाँ पर गर्म होता है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए इक्वेटर
इक्वेटर पे पास करती हैं लाइनें। अगर इक्वेटर से मैं नॉर्दर्न साइड में जाता हूँ यानी कि ट्रॉपी ऑफ कैंसर पे जाता हूँ, जिसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिसका लोकेशन सिचुएटेड है, उसमें जो कंट्रीज लाई करती हैं उनकी लिस्ट ऐसी है: ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लेबिया, नाइगर, अल्जीरिया, माली, मॉरिशियाना, और भी दो तीन कंट्रीज है, साउथ सहारा एंड मेक्सिको। तो दीज कंट्रीज जो हैं ये ट्रॉपी ऑफ कैंसर इनके ऊपर से पास करता है, जिसमें हमारा प्यारा इंडिया भी है। एंड ये रीजन भी क्योंकि इक्वेटर के पास में है तो ये रीजन भी हॉट होता है, ये भी यहाँ की वेजिटेशन भी काफ़ी फ्लरिश होती है एंड यहाँ भी अच्छे खासा टेम्परेचर में गर्मी पड़ती है। अब बात करें आर्टिक सर्कल की, तो ट्रॉपी ऑफ कैंसर से अगर मैं फिर नॉर्थ में जाता हूँ और नॉर्थ पोल की तरफ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये कंट्रीज जो हैं बेसिकली ये लाई करती हैं आर्टिक सर्कल में। इन कंट्रीज में अगर आप इनकी डेमोग्राफी अगर देखते हैं, अगर इनकी आप फिजिकल ज्योग्राफी देखते हैं, तो आप वैसे भी समझ पाएंगे कि ये सारी कंट्रीज जो हैं ये बहुत ठंडी होती हैं। जैसे कि आप देखिए, अलास्का हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, रशिया, कैनेडा, आइसलैंड, ये सारी कंट्रीज में कंट्री के ऊपर से आर्टिक सर्कल क्रॉस करता है एंड यहाँ पर सन की जो रेज होती हैं वो इतनी ज़्यादा डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती हैं, ड्यू टू विच यहाँ का जो रीजन है वो काफ़ी ठंडा होता है। बात करें अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो ये दोनों सदर्न हेमिस्फीयर में लाइन्स आती हैं, जैसे कि ये दोनों लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं। तो इक्वेटर से अगर मैं साउथ में जाता हूँ तो पहली पड़ेगी ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसमें ये सारी कंट्रीज आती हैं: चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फिजी एंड टोंगा। ये भी इक्वेटर के पास होने के कारण इनके यहाँ पर भी गर्मी होती है, यहाँ की वेजिटेशन बहुत ग्रीन होती है एंड ड्यू टू विच दे ऑल्सो फ्लरिश। द एनवायरमेंट हेयर इट्स लिटिल बिट मच मोर सर्वाइवेबल इन कंपेरिजन विद द कोल्डर एनवायरमेंट। सो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये इनके ऊपर से ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। एंड द लास्ट लाइन इट्स कॉल्ड अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो लैटिट्यूड लाइन है, अगर हम ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न या और इक्वेटर के साउथ में और जाते हैं, साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो ये एक कंट्री एक कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका जो है वो उसके ऊपर से ये अंटार्कटिक सर्कल लाई करता है एंड इसको ये लाइन जो है ट्रेवर्स करती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप यही समझिएगा कि सिर्फ अफ्रीका जो एक कॉन्टिनेंट है वो इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपी ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। बाकी ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ से ये तीनों जो लाइन है वो क्रॉस करती है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपकी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करिए, मुझे आप लिखिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे कोई और फीडबैक देना चाहिए या कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आई एम वेरी मच हैप्पी टू हेयर फ्रॉम यू गाइज। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में विल वी टॉक मोर अबाउट द वेजिटेशन एंड द ग्रासलैंड एंड ऑल काइंड ऑफ टेम्परेचर जो कि इन लाइन्स के पढ़ने से उन कंट्रीज पर इफेक्ट डालते हैं।